वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम स्प्राउट के बारे में बात करेंगे, स्प्राउट की गुडनेस, स्प्राउट के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, ताकि आप इजीली इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्प्राउट होते क्या हैं। बेसिकली स्प्राउट्स आर सीड्स दैट हैव जर्मिनेटेड एंड बिकम ए वेरी यंग प्लांट। बहुत ही सिंपल भाषा में, किसी अनाज, बीज या नट्स को अंकुरित करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम स्प्राउट कहते हैं। टाइप ऑफ स्प्राउट, इस वीडियो में मोस्ट कॉमन यूज होने वाले स्प्राउट और मार्केट में ईजिली अवेलेबल स्प्राउट के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारा बीन एंड पी स्प्राउट्स है। इसमें मोस्टली लैंटिन स्प्राउट्स आते हैं, सोयाबीन स्प्राउट्स आते हैं, मूंग बीन स्प्राउट्स आते हैं, ब्लैक बीन स्प्राउट्स आते हैं, किडनी बीन स्प्राउट्स आते हैं। और पी से रिलेटेड जो हैं ग्रीन पी स्प्राउट्स हैं और स्नो पी स्प्राउट्स हैं, वो इस टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप जो है वो स्प्राउटेड ग्रेन्स हैं, जिसमें मोस्टली ब्राउन राइस स्प्राउट्स आते हैं, ओट स्प्राउट्स आते हैं, बकवीट स्प्राउट्स आते हैं, किनोवा स्प्राउट्स आते हैं। थर्ड टाइप जो है वो वेजिटेबल एंड लीफ स्प्राउट्स हैं, इसमें मोस्टली रेडिश स्प्राउट्स आते हैं, ब्रोकली स्प्राउट्स आते हैं, मस्टर्ड ग्रीन स्प्राउट्स आते हैं और बीट स्प्राउट्स आते हैं। फोर्थ एंड लास्ट टाइप नट एंड सीड्स स्प्राउट्स हैं, इसमें मोस्टली जो स्प्राउट्स आते हैं वो आलमंड स्प्राउट्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स स्प्राउट्स आते हैं, सनफ्लावर सीड्स स्प्राउट्स आते हैं। टाइप ऑफ स्प्राउट के बाद अब बात करते हैं गुडनेस ऑफ स्प्राउट्स की। गुडनेस में सबसे पहला पॉइंट है रिच इन प्रोटीन। स्प्राउट में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मसल बिल्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है रिच इन फाइबर। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फाइबर हमारे शरीर में शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम करता है और वेट कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट है रिच इन विटामिन्स। डिफरेंट स्प्राउट में डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। फोर्थ पॉइंट है एसेंशियल अमीनो एसिड। स्प्राउट में कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी मसल को रिकवर करने का काम करते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। स्प्राउट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि हमारी जॉइंट हेल्थ, हेयर और आइज के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा स्प्राउट में बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुडनेस ऑफ स्प्राउट के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं स्प्राउट के बेनिफिट की। सबसे पहला बेनिफिट है मेक हेयर स्ट्रॉन्ग। स्प्राउट खाने से आपके हेयर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो है हेल्प इन वेट कंट्रोल। स्प्राउट खाने से आपका वेट है वो कंट्रोल रहता है और ये हेल्प करता है आपके वेट को कंट्रोल करने में। सेकेंड बेनिफिट है हेल्प इन गुड डाइजेशन। स्प्राउट खाने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहता है। स्प्राउट आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को कैंसर से। स्प्राउट खाने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है और आपके बोन डेंसिटी और फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इट्स आल्सो गुड फॉर स्किन एंड ब्यूटी। ये था छोटा सा वीडियो स्प्राउट की गुडनेस और बेनिफिट के बारे में। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दो रेसिपी बताऊंगा कि मैं स्प्राउट को कैसे प्रिपेयर करता हूं। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सकें। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी जो है varun.rock89 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।